एवरीवन वेलकम टू क्रिएट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट्स वी आर बैक विद अ बैंग विद लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर बट बिफोर वी स्टार्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ऑल इंडिया 1 ट्वाइस इन गेट इन 2014 एंड 2018 आई वाज अवार्डेड गोल्ड मेडल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ In the the year 2013, when I I I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर sure करता है कि हमारे बच्चे हर कॉम्पिटिशन में सबसे आगे रहें इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा 2023. और, देखो इसी तरह के फ्री आपके लिए और भी अवेलेबल हैं आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना आपको ना यहाँ पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा गेट पी by क्यू बाई एर वन में आपको नेटवर्क के पीवाई क्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसी के तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा दैट इज द गारंटी अब क्वेश्चन पे आते हैं मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था मेरे भाई घर के लिए अब यहां पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल कैपेसिटर है तो आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हायर ऑर्डर सर्किट हो गया नहीं बेटा हायर ऑर्डर सर्किट तब तक नहीं होगा जब तक देर आर नॉट मल्टीपल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट विच कैन नॉट बी कंबाइंड विद ईच अदर मैंने क्या बोला था देर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लेकिन ये जो तीन कैपेसिटर हैं ये सीरीज पैरेलल से हम कंबाइन कर सकते हैं जिस कारण से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही होगा क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर कंबाइन हो जाएंगे तो वन और वन पैरेलल में कितना बनेगा भाई टू बनेगा तो सी इक्विवेलेंट बनेगा टू इन सीरीज विद वन यानी टू बाई थ्री फेरेट ठीक है ना फॉर आर टी एच फॉर आर टी एच एक्रॉस सी ओपन करेंट सोर्स आप करेंट सोर्स को भाई ओपन कर दो अगर आपको आर टी एच चाहिए सी के एक्रॉस अगर बच्चों आपने करेंट सोर्स को ना ओपन कर दिया यहां पे तो आपके पास क्या बचेगा टू बाय थ्री फैरड ठीक है ऐसा बचेगा खेल ये थ्री ओम और ये भी आपका थ्री ओम अब बच्चों यहां पे क्या होगा कि ये जो टर्मिनल है ना ए और बी रेजिस्टेंस एक्रॉस ए बी कितना आएगा रेजिस्टेंस एक्रॉस ए बी इज सिक्स ओम ठीक है जिसकी वजह से टाओ कॉन्स टाओ इज द टाइम कॉन्स्टेंट सिक्स इंटू टू बाई थ्री फोर सेकेंड ठीक है तो जितने भी बच्चों का फोर सेकेंड आया एकदम एकदम सही आंसर निकाले हो द आंसर विल बी फोर सेकेंड आंसर विल बी फोर सेकेंड तो रेजिस्टेंस ए बी के निकालोगे, और फिर उससे क्या निकालोगे टाइम कॉन्स्टेंट चलो अब अगला ट्राई करो द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट आर थ्री और आर एल आपको दिया है फोर ओम आर टू दिया है वन ओम देखो ये आर टू है ये आर थ्री है और ये आपका बेटा आर एल है ठीक है अब आपसे ये पूछा है कि ये बताओ इसका डिस्चार्जिंग सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना आएगा चलो भाई फटाफट से बनाओ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट ऑन एवरीबडी जल्दी से बनाएंगे इजी क्वेश्चन है ये भी कोशिश करना कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ रहा है ये हम डिराइव कर पाए अगर ये हमने डिराइव कर लिया तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा नमन कह रहे हैं 300 माइक्रो सेकेंड चलो देखते हैं प्रवीण मीना का माइक्रो फेरेड में आ रहा है कैसे भाई टाइम कांस्टेंट फेरड में कैसे देखो वी नीड टू डिटरमाइन वी नीड टू डिटरमाइन आर इक्विवेलेंट Across सी तो आपने क्या किया ना मेरे भाई कैपेसिटर वाले टर्मिनल्स को आपने ना ओपन कर दिया ठीक है आपने कैपेसिटर वाले टर्मिनल्स को ओपन कर दिया यहाँ पे, अब ये आपका आर थ्री है ये आर एल है और ये आपका आर टू है अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे यहाँ से देख के ये बता दो आर इक्वेलेंट कितना होगा तो आप कहोगे सर आर थ्री और आर एल आ गए पैरल में और फिर आर टू के साथ आ गए ये सीरीज में आर थ्री पैरल आर एल कितना होगा भाई फोर पैरल फोर प्लस वन दैट इज थ्री ओम फिर हम कहेंगे टाओ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इन टू सी यानी थ्री हंड्रेड है और जैसा मैं आपको बता रहा था बेटा कि सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट या के अंदर कैसे इनिशियल और फाइनल कंडीशन निकालते हैं जो कि आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर देखा उसके बाद तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए दैट इज योर दैट इज बेसिकली द टाइम कॉन्स्टेंट अगर ये तीन पैरामीटर आपने कभी भी निकाल लिये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट और टाइम कॉन्स्टेंट तो मैं कह रहा हूं ट्रांजियंट के नाइनटी परसेंट क्वेश्चन आप बैठे बैठे क्रैक कर दोगे उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फोकस क्लियर रखो नेटवर्क दिखे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट टाओ ये तीन चीजें आई खेल खत्म चलो अगला डेटामाइन द टाइम कॉन्स्टेंट ये आई एल दिखा रखा है और यहां ये जो करेंट सोर्स है दिस इज आई एल बाय फोर ठीक है बाकी ट्वेंटी ओम टेन ओम और फाइव हेनरी यहां डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आर इक्वल निकालने के लिए चलो करो भाई ऑन एवरीबॉडी देखें भाई ये कौन निकाल के दिखाएगा आंसर और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा सोर्स वाले सर्किट यानी जिनके अंदर सप्लाई भी लगी होगी और वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होंगे है ना तो जब ये सोर्स वाले सर्किट हम निपटा लेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे तो आप ये समझो कि आपका ट्रांजिएंट का ना मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा फिर जो ट्रांजिएंट के अंदर चीजें बचेंगी बहुत छोटी छोटी हैं जैसे लैपलास या फिर सेकंड ऑर्डर सर्किट ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं बट मेजर जो है ना ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट वाला ही टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर फ्रेम किए जा सकते हैं लेकिन एज लॉन्ग एज बच्चों आपका फोकस क्लियर है तो मैं कह रहा हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे छूट जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इजीली क्रैक करोगे तो आपको ऐसा बनना है अगर देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आप ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को ऐसे देखोगे सर ये क्वेश्चन कैसे बनता है ये मत सोचो आप पहले उसके अंदर ये देखो मल्टीपल सब प्रॉब्लम है छोटी छोटी प्रॉब्लम फाइनल कैसे निकलेगा टाउ कैसे निकलेगा अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो फिर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ठीक है चलो ये वाला सॉल्व करो यार वन सेकेंड बता रहे हैं नमन नमन काफी फास्ट है भाई हमारी क्लास में ये बात तो माननी पड़ेगी कि नमन का आंसर बहुत तेज आता है बट नमन मैं उम्मीद करता हूं कि सही भी हो बेटा अगर सही है तो बहुत ही बढ़िया शानदार बनाओ इसको डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट डिपेंडेंट सोर्स वाला नेटवर्क है बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट सोर्स से डरते थे अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को डिपेंडेंट सोर्स में दिक्कत नहीं आती होगी कहीं से कहीं तक भी चल अरे डिलीट कर दिया ये क्या हुआ भाई गलती हो गई चलो देखते हैं यार बाकी लोग भी बताओ भाई कैसे निकालते हो

अब बेटा इसके लिए क्या करो ना इंडक्टर को आप ओपन करके एक करंट सोर्स लगा दो सर करंट सोर्स क्यों कोई दिक्कत नहीं बेटा आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो लेकिन करंट सोर्स में इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इंडक्टर वाली जो ब्रांच है ना उसके करंट पे एक करंट हमारा डिपेंड करता है तो देखो इस ब्रांच का करंट नीचे की तरफ दिखाया था तो मैंने यहां जो करेंट सोर्स लगाया ना वो ऐसे लगाया आई एल इक्वल टू वन एम्पीयर तो ये जो करेंट सोर्स आया ये कितना आ गया भाई वन बाय फोर एम्पियर ठीक है अब यहां पे मेरे बच्चों एक बात को समझना जब कभी आप एक नया सोर्स लगा के आर टी एच निकालने की कोशिश करते हो देन द पोलैरिटी मस्ट बी कि ये सोर्स पावर डिलीवर करता है यानी पॉजिटिव से करंट निकलते हुए दिखाना है या ये कह दो वोल्टेज के अंदर माइनस से प्लस जाते हुए तो माइनस से एंटरिंग और प्लस से लीविंग अब देखो यहां से वन एम्पियर अगर आया और यहां वन बाय फोर गया तो इधर कितना गया थ्री बाय फोर अब जरा ना इस लूप में केवीएल लगा लेते हैं कैसे माइनस से प्लस वी माइनस थ्री बाय फोर इन ट्वेंटी माइनस वन इंटू टेन तो वी आ गया पच्चीस ये माइनस वन इंटू टेन कैसे हुआ ना क्योंकि इधर से तो वन एम्पियर ही जा रहा है टेन ओम में से टेन ओम में से तो वन एम्पियर ही जा रहा है ठीक है अब यहां पे अगर ये आ गया तो हमारे पास आर टी एच कितना आ जाएगा भाई वी ओवर आई ट्वेंटी फाइव बाई वन ट्वेंटी फाइव ओम है ना ट्वेंटी फाइव ओम आ गया अब यहां से निकाल दो यार टाओ टाओ इक्वल टू एल बाई आर टी एच फाइव बाई ट्वेंटी फाइव देखो कितना इजीली आ गया अब मैं आपको टाओ की प्रैक्टिस ही स्पेशली इसीलिए कराया हूं कि ताकि आपको टाव निकालने पर ना कमांड बन जाए जैसे हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन की अलग से प्रैक्टिस की थी ना ऐसी अब हम लोगों ने अलग से प्रैक्टिस कर ली है टाव निकालने की तो अब मैं ये मानता हूं बेटा आपके पास सारे वो हथियार रेडी हैं जो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को किल करने के लिए चाहिए सारे हथियार आपके पास हैं बस चलाने की देर है ट्रांजिएंट के क्वेश्चन यूं ही खत्म हो जाएंगे देखो जब कभी कोई बच्चा क्वेश्चन के प्रति ऐसा एटीट्यूड लेके जाता है ना कि एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर देता है तो उसके लिए उस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है और अगर आप ये देखोगे हाई इतना बड़ा क्वेश्चन है इतना लंबा क्वेश्चन है मैं कैसे कर पाऊंगा तो फिर बेटा वो क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाएगा आप हमेशा उसके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ बड़ी प्रॉब्लम अपने आप निपट जाएगी चलो ठीक है अब देखो गिवन इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 15 वोल्ट ठीक है फाइंड वी सी वी एक्स एंड आई एक्स फॉर टी ग्रेटर देन जीरो अब देखो अब ये आया हमारे पास एक कंप्लीट प्रॉब्लम ट्रांजिएंट का सोर्स फ्री सर्किट का जहां हमसे वीसी निकलवा रहा है अब मेरे भाई सबसे पहले तुम क्या करो ना यहां पे टाव निकालो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते हैं सॉल्व ऐसे क्वेश्चन टाव निकालना ठीक है टाव निकालो जरा जल्दी से बनाओ इसके अंदर कैपेसिटर के के आर निकाल के ना आप मुझे टाओ बताओ कितना है फिर अगेन देखो मैं बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ रहा हूं अपना फोकस क्लियर रखो कि भाई हमें तो टाव निकालना है बाहर में गया सवाल में पूछा क्या है? तुम टाव निकालो ठीक है तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो और बताओ टाओ कितना आ रहा है स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे इस सवाल को और देखो अगर ट्रांजिएंट पे कमांड कर लिया ना तो नेटवर्क का डर वैसे ही दूर हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क में मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं ट्रांजिएंट में कि सर ट्रांजिएंट नहीं बन पा रहा तो वो डर मुझे तुम्हारे मन से निकालना है नमन मुझे बता रहे हैं पॉइंट फोर सेकेंड चलो तो पहले मैं क्या कहता हूं टू डिटरमाइन टाओ फाइंड आर टी एच है ना एक्रॉस सी तो हमने क्या किया कैपेसिटर को ओपन कर दिया लो भाई ये कैपेसिटर हो गया ओपन और इधर एट ओम और ट्वेल्व ओम है अब तो मैंने आपको पैरेलल का शॉर्टकट भी बता दिया था ना मजा आता है वैसे पैरेलल निकालने में जो मैंने बताया था एन के फैक्टर से अगर स्केल्ड है अब देखो भाई ये दोनों तो आ गए सीरीज में और ये फाइव के साथ आ गए पैरेलल तो मैं कहता हूँ आर इक्वलेंट इज फाइव पैरेलल ट्वेंटी यानी ट्वेंटी बाय फाइव फोर ओम ठीक है एक बार मुझे आर इक्वेलेंट मिल गया ना फोर तो मेरे लिए टाओ बहुत ईजी हो गया आर इक्वेलेंट इन टू सी पॉइंट फोर से डिस्चार्जिंग सर्किट फॉर आर डिस्चार्जिंग सर्किट डिस्चार्जिंग सर्किट होते हैं सोर्स फ्री सर्किट क्यों होते हैं सोर्स फ्री क्योंकि यहां जो सर्किट वर्क करता है ना वो वर्क करता है बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड ही काम करती है सर्किट को चलाने का अब जब सर्किट में एनर्जी स्टोर्ड वर्क करेगी एनर्जी स्टोर्ड जो है डिलीवर होगी तो धीरे धीरे कैपेसिटर और इंडक्टर जैसे एलिमेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका इंडक्टर कैपेसिटर जो भी लगा है वो डिस्चार्ज होगा यही तो सोर्स फ्री सर्किट थे अब देखो हमने यहां पे इक्वेशन निकाल ली थी पिछले लेक्चर में कि ऐसे आती है भाई डिस्चार्जिंग सर्किट की इक्वेशन तो इनिशियल वैल्यू ई टू पावर माइनस टी बाय टाओ तो यहां से वीसी मिल गया इनिशियल आपको दिया था पंद्रह देख रहे हो कितना इजी हो गया बस यहां कैलकुलेशन किसकी लगी कैलकुलेशन लगी टाओ की ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकुलेशन लगती तो इनिशियल वैल्यू की लगती बट उसने इनिशियल वैल्यू पहले ही दे दी धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाएंगे सवाल का तो इनिशियल वैल्यू हमें पहले से मालूम थी अब ये एक बार हमारे पास वैल्यू आ गई दूसरा क्या पूछा है ना तो वी एक्स तो मैं निकाल ही सकता हूं वोल्टेज डिवीजन से इनकी टोटल वोल्टेज वी सी है तो इंडिविजुअल कैसे निकालोगे बाय वोल्टेज डिवीजन बाय वोल्टेज डिवीजन मैं कहता हूं वी एक्स क्या होगा वी सी इंटू ट्वेल्व बाय ट्वेंटी दैट इज पॉइंट सिक्स वी सी तो ये कितना आ गया भाई नाइन ये आ गया और आई एक्स इज सिंपली वी एक्स बाई ट्वेल्व तो नौ बटे बारह पॉइंट सेवन फाइव ठीक लो जी ये बन गए सारे पैरामीटर समझ आया ना कैसे हमने सॉल्व किया इजीएस्ट वे में तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग सर्किट जब कोई आर सी या आर एल सर्किट डिस्चार्ज होता है तो वी सी और आई एल जो होते हैं ना दे आर एक्सपोनेंशियली डीकेइंग तो अगर आपको इनिशियल वैल्यू पता है तो आप उसकी टी टाइम पे वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हो तो ये होता है कंप्लीट सोर्स फ्री सर्किट का सवाल जिसमें टाव भी लग गया इनिशियल कंडीशन भी लग गई और इक्वेशन भी निकाल दी चलो अब अगला अपने से ट्राई करूं फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, C इक्वल टू वन फैरिट फॉलोइंग द स्विचिंग एट T इक्वल टू जीरो स्विचिंग आपकी T इक्वल टू जीरो पे हो रही है ये ठीक है ये आपका आर एल दिया है ये आर नहीं ये आर वन दिया है ये आर टू आर थ्री आर एल दिया है और कैपेसिटर दिया है वन फैरड करो एक बार पहले की तरह ही करो यार बढ़िया तरीके से बनाओ आप सब लोग कर सकते हो इसको फटाफट देखो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज दिखा भी रखी है चलो 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 भाई कम ऑन एवरीबॉडी और देखो अगर नेटवर्क पे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने आपको बताया मेरी स्पेशल क्लासेस में नेटवर्क के सारे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हैं इलेक्ट्रिकल और ई के इसके अलावा बेटा आपके पास मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें नेटवर्क के प्रॉब्लम सेशन भी हैं तो मेरी जो स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी वो यहां पे मिलेंगी बिट डॉटली स्लैश अंकित ई ठीक है यहां पे जाओगे मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पीवाई भी मिलेंगे है ना जस्ट चेक कर लेना फोल्डर सी वाले में सी मिलेगा और प्रीवियस ईयर वाले में प्रीवियस ईयर वाले मिलेंगे चलो देखें तो फर्स्ट हमें find करना है ना अच्छा देखो जब ये टाव फाइंड करते हो ना तो ये हमेशा टी ग्रेटर देन जीरो पे होता है टी ग्रेटर देन जीरो माने स्विच क्लोज्ड टाओ हमेशा कब निकालते हैं स्विचिंग एक्शन के बाद में तो ये कैपेसिटर को हमने ओपन रखा ठीक है तो यहाँ पे बेटा आर इक्वलेंट क्या हुआ आपका आर वन प्लस आर टू पैरल आर थ्री प्लस आर एल आर वन यानी कि आपका है कितना वन ओम आर टू यानी कि सिक्स पैरल थ्री प्लस थ्री सिक्स पैरल सिक्स हुआ थ्री फोर ओम तो टाओ कितना आ गया आर इक्विवेलेंट इन टू सी अब सी था वन फेरेट तो ये हो गया फोर सेकेंड अब हम क्या लिख सकते हैं वी सी इज वी नॉट ई टू दावर माइनस टी नॉट आपको दिखा रखा है ना टेन वोल्ट तो ये आपके पास आ गया क्या वी सी यह आपके पास वी सी आ गया ठीक है बिटली ओपन कैसे होगा प्लीज बता दो अरे भैया इसको आप डालो ब्राउजर में ये तो नया लिंक बनाया ओपन नहीं हो पाता पहले इसको बस ब्राउजर में डालो पेस्ट करो जहाँ पे आप वेबसाइट डालते हो जहाँ डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम डालते हो वहीं पे इसको टाइप करके एंटर मार दो खुल जाएगा चलो अगला देखो यार डेटामाइंड कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी ये आई मैं एलिमेंट की वैल्यूज डाल रहा हूं ये वन ओम है आई बाय टू वन बाय सिक्सटीन फैरड वी टू ओम ट्वेंटी वोल्ट सोर्स लगा हुआ है यहां पे और ये स्विच आप ओपन कर रहे हो टी इक्वल टू जीरो पे ठीक है स्विच आप ओपन कर रहे हो टी इक्वल टू जीरो पे चलो बनाओ इसको ठीक है भाई जल्दी से बना दो इसको टाइनी वारल बंद हो गया जब तो नया लिंक बनाया भाई चलो जल्दी से बनाओ अब की बार देखो इस क्वेश्चन में लेवल अप हमने कर दिया है कैसे इस बार मैंने आपको इनिशियल कंडीशन दी नहीं है इस बार मैंने आपको इनिशियल कंडीशन दी नहीं है तो इनिशियल कंडीशन आपको खुद बनानी पड़ेगी मेरे भाई टाइनी यूआरएल नहीं चल रहा कितनी और किस कितनी अलग भाषा में बताऊं उसी के लिए तो ये लिंक है और काहे के लिए ये लिंक है चलो जल्दी से बनाओ कमऑन एवरीबॉडी पहले इनिशियल कंडीशन निकालना टाव निकालना तब आपके पास इक्वेशन आ सकती है चलो फटाफट से बना दो प्रतीक बेटा मैंने पहले ही बताया था सिग्नल की क्लासेस का कि थोड़े टाइम बाद रिज्यूम होंगी क्योंकि अभी विशाल सर की दो क्लास ऑलरेडी चल रही हैं एक विशाल सर बेसिक मैथ्स की क्लास ले रहे हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे एक इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो जैसे विशाल सर थोड़ा फ्री हो जाते हैं ही विल कंटिन्यू द सिग्नल पार्ट ठीक है लेकिन यार डेफिनेटली अटेंडेंस इज नीडेड फॉर एनी इनिशिएटिव टू कंटिन्यू अभी तो तुम लोगों ने नेटवर्क की हालत ऐसी कर रखी है कि नेटवर्क ही लग रहा है क्यों पढ़ा रहे हैं वही तो बात है यूट्यूब वाली जनता जो है ना पूरा कोर्स कंप्लीट करने में कतराती है यानी जब सिलेबस लंबा होता है कोई सब्जेक्ट पूरा सत्तर अस्सी सौ घंटे का सब्जेक्ट होता है तो मोटिवेशन नहीं बना पाते आप लोग ही तो देखो क्या है ना यूट्यूब पे ज्यादातर जगह है जहां सिर्फ लोग क्रैश कोर्स कराते हैं वहां बच्चे बड़े खुश रहते हैं और बड़े आभारी रहते हैं कि यार हमें क्रैश कोर्स करा दिया और जब लोग फुल कोर्स कराते तो कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है, हमें फुल कोर्स की जरूरत नहीं है भाई हम लोग क्रैश कोर्स वाले हैं वैसा हिसाब किताब है निकाला इनिशियल कंडीशन सब लोगों ने तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है देखो स्विच हैज बीन क्लोज बीन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम स्विच काफी समय से बंद था यानी कब से बंद मानोगे माइनस इन्फिनिटी से तो हम कहेंगे एट टी इक्वल टू जीरो माइनस स्विच हमारा क्लोज है और सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट जब भाई बहुत समय से कोई सर्किट चल रहा होता है तो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है स्टेडी स्टेट में जाने का मतलब कि कैपेसिटर हो जाएगा हमारा ओपन ठीक है स्विच क्लोज के साथ स्विच क्लोज के साथ कैपेसिटर आप ओपन कर दो बेटा तुम लोग ये जो मुझे गोली देते रहते हो कि बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं सेशन के एक हफ्ते बाद भी सेशन पे व्यूज देखना ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे व्यूज हो जाते हैं फिर रिकॉर्डेड कौन देखता है देखो जरा वन ओम और थ्री ओम ठीक है ये आई अब मेरा इंटरेस्ट किस में है यार मेरा इंटरेस्ट ना ही वोल्टेज जानने में है. देखो इधर आई गया इधर से आई बाई टू आया तो आई बाई टू इधर से भी आया होगा ठीक है तो आप जरा ना केवीएल लगाओ ट्वेंटी इज इक्वल टू टू इंटू आई बाई टू प्लस फोर इंटू आई यानी फाइव आई तो आई आया फोर एम्पियर तो यहां से आपको जो वी जीरो माइनस मिलेगा ना वो मिलेगा 16 वोल्ट तो ये तो मिल गया V0 जीरो माइनस वी जीरो माइनस मिल गया हमें 16 वोल्ट ठीक है ये आपके पास आ गया इनिशियल कंडीशन बेटा अब इस इनिशियल कंडीशन को और क्या चाहिए साथ में चाहिए टाओ एक बार टाओ और आ जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं यहां पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ना फॉर टी ग्रेटर देन जीरो स्विच ओपन है तो हम कहेंगे टू फाइंड वी नीड टू कंप्यूट वी नीड टू कंप्यूट आर इक्विवेलेंट एक्रॉस सी, ठीक है आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा अब स्विच ओपन है तो देखो सप्लाई तो अलग हो गई अब आपके पास यहां पे क्या बचा एक तो डिपेंडेंट सोर्स बचा ऐसे जो कि i बाई टू है और इधर से बचा देखो इसे मैं बोलूंगा कि एक अच्छा प्रॉब्लम है अगर हम बात करें ट्रांजिएंट की जिसमें आपके लिए ना सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं और ये है आई अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई यहां पे एक सोर्स लेना पड़ेगा मान लो मैंने वन एम्पियर का सोर्स ले लिया मुझे क्या चाहिए इसका वोल्टेज अब यहां वन एम्पियर आया यहां आई बाय टू आया वन प्लस आई बाय टू इज इक्वल टू आई जिसका मतलब आई इज इक्वल टू टू एम्पियर ये हो गया अब केवीएल के लिए अगर वी निकालोगे वी आएगा फोर आई एट वोल्ट एक बार V आ गया तो आपके पास बेटा आर टी एच आ जाएगा कितना होगा V ओवर वन ओम तो आपके पास टाव भी आ जाएगा आर टी एच मल्टीप्लाइड बाई सी अब कैपेसिटेंस हमारा कितना था कैपेसिटेंस हमारा कितना था वन बाय सिक्सटीन फैरिड तो पॉइंट फाइव सेकेंड अब जब आप कैपेसिटर वोल्टेज निकालते हो वी ऑफ टी तो वी नॉट ई टू पावर माइनस टी बायू दावर माइनस टू 2t अब लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है i अगर ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम है तो i अगर आएगा तो कैसे निकालोगे आई विल बी इक्वल टू आई ऑफ टी वी टी बाई फोर यानी फोर ए टू दावर माइनस टू टी एमपी यह आंसर बनेगा फोर ए टू दावर माइनस टू टी ये बात क्लियर है चलो अगला ट्राई आउट करें एज्यूमिंग दैट आई नॉट इक्वल टू टेन एम पी एर फाइंड आई टी एंड आई एक्स ये वाला आई निकालना है आपको और ये वाला करेंट है आई एक्स ये बेटा जीरो पॉइंट फाइव है ये टू ओम है ये फोर ओम है ये थ्री आई है ठीक है आपको आई और आई एक्स की इक्वेशन बतानी है आपको इनिशियल कंडीशन इसमें दे दी है आई जीरो आपको पहले ही दे दिया टेन एम चलो जल्दी से बनाओ इनिशियल कंडीशन आपको पता है इंडक्टर करेंट की तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेसिकली बेसिकली आपको यहां टाव की जरूरत पड़ेगी अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दू कल से ही जो ये ये वाली क्लास है ना शाम बजे से हम स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आराम से हम सात सवा सात तक वाइंड अप कर लें ना कोई जल्दी रहे और ना कोई हमें परेशानी आए और थोड़ा सा राउंड फिगर में चलेगा ना टाइम तो इजी रहेगा इसीलिए कल से छह बजे होने वाली है ठीक है नोट कर लेना लेट मत हो जाना कल छह बजे स्टार्ट होगी चलो बनाओ भाई जल्दी से चलो 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 फटाफट से सॉल्व करो कम ऑन एवरीबॉडी अमन बेटा बात एक बच्चे के देखने की नहीं है देखो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम लोग फ्री नहीं पढ़ाएंगे ये तो क्वेश्चन ही हटा दो हम पढ़ाएंगे जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे यानी अगर एक महीने में मैं साठ घंटे सत्तर घंटे की फ्री क्लास देता हूं तो मैं दूंगा ठीक है सौ घंटे की भी दे दूंगा लेकिन उसमें पढ़ाऊंगा क्या कि मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जिसमें मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचे और मैक्सिमम बच्चा आ पाए अब जैसे ऐसे समझो कि यार अगर मुझे अपनी नॉलेज शेयर करनी है मुझे अगर मेहनत करनी है तो मेहनत इस चीज़ पे करो जिससे मैक्सिमम बच्चे का बेनिफिट हो तो यानी कि अगर यही एक घंटे में सौ बच्चे डेढ़ सौ बच्चों को बेनिफिट हो सकता है तो क्यों मैं एक बच्चे को बैठा के पढ़ाऊं मैं फिर सौ डेढ़ सौ को पढ़ाऊंगा फ्री पढ़ाना है मेहनत भी करनी है फ़ायदा भी पहुंचाना है तो ऐसा काम करो ना जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो तो इट्स नॉट दैट कि कोई भी हम में से फ्री क्लासेस छोड़ेगा लेकिन फ्री क्लासेस में कंटेंट क्या आएगा ये बच्चों पे डिपेंड करता है जहां ज़्यादा बच्चे खुश वहां हम भी खुश हमें तो देखो भाई पढ़ाने का शौक़ है हमें टीचिंग का शौक है तो टीचिंग तो हम करेंगे ही अब पढ़ाएंगे क्या उस टाइम के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं आया भाई इसका आंसर जल्दी से बताओ ये वाला तो इजी है छोटा क्वेश्चन है इनिशियल कंडीशन दे रखी है ना तो आपकी मेहनत नहीं है इसके अंदर आपको बस टाओ निकालने की देर है और आप इसका आंसर दे सकते हो मुझे बता दो यार जल्दी से क्या आ रहा है इसका चलो देखें एक बार देखो अगेन टू फाइंड टाओ वी नीड आर इक्वलेंट एक्रॉस एल ठीक है तो हम क्या करेंगे रिप्लेस एल बाय अ करेंट सोर्स करेंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे ठीक है देखो अब ये थ्री आई है ना यहां आई नीचे की तरफ दिखाया था आपको तो आई वन हुआ तो ये थ्री आई हो गया थ्री वोल्ट ठीक है फोर ओम और टू ओम और यहां पे आप ना वी ऐसे लोगे ठीक है अब हमें ये वी चाहिए यहां अगर वन एम्पियर गया भाई मेरे और इधर थ्री वोल्ट लगा हुआ है तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं ये आई एक्स है तो यहां गया वन प्लस आई एक्स तो जरा के वी एल लगाएं थ्री माइनस फोर आई एक्स प्लस वन माइनस टू आई एक्स इज जीरो तो माइनस वन इज इक्वल टू तो सिक्स तो तो आई एक्स तो आई एक्स इज माइनस वन बाई सिक्स ठीक है तो अब v जो है ना v कितना है यार विल बी माइनस टू आई एक्स यानी वन बाई थ्री वोल्ट तो यहां से ना आपके पास आर टी एच आ गया वी बाय आई तो यह आ गया आपके पास वन बाय थ्री ओ और एल कितना है पॉइंट फाइव एन रही है एल कितना है पॉइंट फाइव एन रही है तो बेटा टाओ क्या होगा एल बाय आर टी एच एल बाय आर टी एच तो एल है पॉइंट फाइव ओवर वन 3, थ्री वन पॉइंट फाइव सेकेंड तो आप आई ऑफ टी कैसे लिखोगे आई नॉट ई टू दावर माइनस टी बाय टाओ आई नॉट आपको दिया है टेन एम्पियर टेन ए टू दावर माइनस टू टी बाई थ्री लेकिन सिर्फ i से काम नहीं बनेगा ना आपको क्या निकालना पड़ेगा और आई एक्स भी निकालना पड़ेगा तो देखो अगर यहां पे ऐसे i आया और यहां आई एक्स आया तो ये कितना हुआ i प्लस आई एक्स ठीक है तो मैं अगर इस लूप में केवीएल लगाऊ थ्री आई माइनस फोर आई प्लस आई एक्स माइनस टू आई एक्स इज इक्वल टू जीरो आई एक्स इज माइनस आई बाई सिक्स आई एक्स विल बी माइनस आई बाई सिक्स तो आप आई एक्स टी जो निकालोगे माइनस आई बाई सिक्स माइनस टेन बाय सिक्स ऐसे आ गया यानी देखो बेसिक फोकस अपना क्लियर रखो आपको निकालना क्या है आईएल या फिर वीसी आई एल किस में इंडक्टिव सर्किट में वीसी कैपेसिटिव में और बाकी सभी पैरामीटर उसी के अनुसार निकलेंगे आरुष बेटा भी इंटरव्यू शॉर्ट इसलिए था स्टार्ट नहीं किए क्योंकि अभी जो है ना ज्यादातर एग्जाम डिले हो गए तो अभी बच्चों का कोई अपकमिंग इंटरव्यू दिख नहीं रहा अभी डालूंगा तो भी ज्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं रेडी सब कुछ है बस डालना बाकी है डालना इसलिए डिले कर रहा हूं कि कोई इंटरव्यू अपकमिंग होगा तो इट विल मेक मोर सेंस चिंता मत करो जो तुमको प्रॉमिस किया है ना वो मिलेगा जरूर बस जो टाइमिंग है टाइमिंग हम इस हिसाब से रखेंगे जब उसका सही टाइम आए देखो अब ये बोल रहा है टी इक्वल टू जीरो पे भैया स्विच ओपन कर दिया है लो आप यहां पे ना एल की वैल्यू नहीं दे रखी आप वन हेनरी ले लो चलो करो मैंने आपको एल जो है वन हेनरी दे दिया जीरो पे आपने स्विच को खोला है तो आपको इंडक्टर का करंट बताना है फॉर टी ग्रेटर देन यानी जीरो से पहले स्विच क्या था बंद था और काफी लंबे समय तक बंद था स्विच वाज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम अब बनाओ जरा यहाँ पे अगेन इनिशियल कंडीशन निकालना पड़ेगा गिवन नहीं है भाई चलो बनाओ जल्दी से कमऑन एवरीबॉडी थैंक्स फॉर स्टार्टिंग नेटवर्क बेटा नेटवर्क स्टार्ट के एक महीने से ऊपर हो गया हम तो अब थर्टी थ्री लेक्चर पे आ गए तुम स्टार्टिंग की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से हम लोगों ने मार्च में मार्च बिगनिंग में या फेब एंड में स्टार्ट कर लिया होगा अच्छा मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूं कि सब ऊपर चला जाता है या नेटवर्क में तो ऐसा नहीं है नेटवर्क में डिटेलिंग कितनी भी कर लू तो नेटवर्क में डिटेलिंग का क्या ज्यादा ही स्कोप ही है और देखो मशीन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है उस पर व्यूज भी बहुत अच्छा है और बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है मशीन पे चलो देखें यार अब मैं कहता हूं हैीरो माइनस कह सकता हूं सर्किट स्टडी स्टेट में होगा क्योंकि बहुत टाइम से ये स्विच बंद रहा होगा तो सर्किट इन स्टडी स्टेट ठीक है तो इसका मतलब ये जो इंडक्टर है दिस विल बिकम शॉर्ट सर्किट इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा देखो ये इंडक्टर मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि मुझे इनिशियल करंट चाहिए ना ये जो निंजा टेक्निक है ना अगर ये तुम सीख गए कि भाई करना क्या होता है आपको ना इंडक्टर को या कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट में डालना होता है जीरो माइनस पे अब ये सोचो जरा ये पांच ओम वाला तो शॉर्ट ही हो गया यार रेजिस्टेंस ये तो दोनों तरफ से शॉर्ट हो गया है कि नहीं इधर से ऐसे ही शॉर्ट हो गया ना तो ये जो पांच एंपियर है ना ये दस और आठ में डिवाइड हो जाएगा तो मैं कहता हूं आई एल जीरो माइनस क्या होगा अठारह चार बाय नौ बीस बटे नौ समझ में आई बात इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं फाइव ओम वाले में ठीक है तो यहां पे 20 बाय नाइन होगा अब अगला क्या करना है हमें टू फाइंड टाओ टाओ कब निकालते हैं टी ग्रेटर देन जीरो पे यानी कि यहां पे स्विच कैसा रहेगा ओपन स्विच ओपन रहेगा और इंडक्टर के अक्रॉस आपको क्या चाहिए होगा आर वी नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल एल के अक्रॉस निकालना है स्विच जब ओपन हो गया तो सप्लाई तो हटी गई इंडक्टर को आप ओपन करके निकालोगे ये मत सोचना इनिशियल या फाइनल कंडीशन है जब भी आपको टाव निकालना है तो एल या सी वाले टर्मिनल्स पे निकाला जाता है इसलिए उसे ओपन कर दिया जाता है टेन एट एंड फाइव ठीक है अब बात यह आती है इसमें कैसे सॉल्व करोगे देखो ये दस और आठ आ गए सीरीज में इन पैरल विथ फाइव आर इक्वलेंट इज एटीन पैरल फाइव 5, 90 ट्वेंटी थ्री ओम ठीक है अब आप यहां पे बहुत इजीली टाओ बता सकते हो एल बाय आर इक्वलेंट ट्वेंटी थ्री बाय नाइंटी सेकेंड तो आई ऑफ टी इनिशियल करंट कितना आया ट्वेंटी बाय नाइन टू दावर माइनस टी बाय टी बाई टाओ करोगे तो नाइन टी टी ये ट्वेंटी थ्री ए टू दावर माइनस नाइनटी टी बाई ट्वेंटी थ्री अगला देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एल फॉर टी ग्रेटर देन जीरो मेरे ख्याल से यहां ज्यादातर वैल्यूज तो क्लियर ही हैं जीरो पे स्विच ओपन किया है फाइव मिली हेनरी टेन मिली हेनरी हंड्रेड ओम बनाओ चलो बनाओ जल्दी से बेटा देखो मेरा ये एम रहता है जब भी मैं आपको कोई सब्जेक्ट प्रोवाइड करूं पहली बात तो मैं प्लस और यूट्यूब में ये फर्क नहीं करता कि यहां डिटेल में वहां डिटेल में कंटेंट सेम रहता है कंटेंट सेम रहता है बस क्या होता है ना कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जब बच्चे साथ में जुड़े होते हैं बच्चे सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनकी हर छोटी बड़ी डिमांड का ध्यान रखा जाता है जैसे बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक सर थोड़ा सा ना पकड़ में नहीं आ रहा है आप इसकी ना स्पेशल क्लास लगा दो या फिर आप इसके ना और ज्यादा सवाल करा दो तो उनके अनुसार उस कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं फिर क्या होता है हर छोटी छोटी, छोटी चीज में जैसे यूट्यूब पे ज़्यादातर वन वे कॉम्युनिकेशन होता है लेकिन अन अकेडमी पे टू वे कॉम्युनिकेशन होता है तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है गारंटी है कोई ना कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करेगा और वो और बढ़िया तरीके से वहां पे डिस्कस की जाएगी दूसरी चीज क्या है कि वहां पे सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट होता है अगर मैंने डिसाइड किया है कि डेढ़ महीने में मुझे एनालॉग कवर करना है तो वो डेढ़ महीने में होके रहेगा हर हालत में होके रहेगा इसके अलावा आ, आपकी अनकेडमिक क्लासेस हमेशा प्रायोरिटी रहती है वेदर वी आर इल वेदर वी आर आउट ऑफ टाउन लेकिन उन बच्चों को जो क्लास का शेड्यूल है वो एग्जैक्टली exactly फॉलो किया जाता है फिर उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं डेली बेस, बेसिस पे कि घर से ये सवाल लगा के लाना अगले दिन वो असाइनमेंट का डिस्कशन भी होता है संडे को टेस्ट भी होता है बच्चों का तो इस कारण से बच्चों में ना एक रेगुलरिटी बनी रहती है और उनका कंसेप्ट और स्ट्रांग होते जाता है यानी बस यही समझ लो यार कि जैसे अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो एक मूवी को जो टीवी पे और एक मल्टीप्लेक्स में देखने का डिफरेंस है वो है तो वहां उनका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता है ना कि चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं यहां वो मैं एक्सपीरियंस दे नहीं सकता यहां ना तो पोलिंग फीचर है ना तो यूट्यूब पे टेस्ट लिया जा सकता बच्चे का ना तो यूट्यूब पे असाइनमेंट दिया जा सकता ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती तो बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं तो एक्चुअली अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म आन अकेडमी का प्लेटफॉर्म आपका पढ़ने के लिए बनाए और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए था अब हम एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म को जब टीचिंग में ला रहे हैं तो लिमिटेशन तो होंगी अब देखो भाई सबसे पहले तो ना यहाँ L इक्विवेलेंट निकाल लो कितना है पंद्रह मिली हेनरी है अब मैं क्या कहता हूँ कि t इक्वल टू जीरो माइनस पे मेरा जो स्विच है वो क्लोज रहा होगा जीरो पे ओपन किया है ना तो मेरा जो सर्किट है सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट मेरा नेटवर्क आपका स्टेडी स्टेट में चला आया तो यहां पे इंडक्टर हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट ठीक है इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया स्विच अभी क्लोज ही है ठीक है यहां सेवेंटी और थर्टी हंड्रेड ओम चाहिए और इधर भी हंड्रेड ओम ही है आपके पास तो एक चीज सोचो अगर टू एम्पियर के पास दो रस्ते हैं एक तरफ हंड्रेड दूसरी तरफ भी हंड्रेड तो यहां पे आपका करंट कितना चला जाएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इट विल बी वन एम्पियर ठीक है अब फॉर टाउ वी नीड आर इक्विवेलेंट एक्रॉस एल हमें आर इक्वलेंट की जरूरत पड़ेगी बात तो सही है अब बेटा आर इक्वल की अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां हंड्रेड ओम और ये जो टाव होता है टी ग्रेटर देन जीरो पे निकालते हैं ना तो देखो स्विच तो ओपन हो गया तो यहां पे भी हंड्रेड लेकिन आपको किसके अक्रॉस चाहिए यहां पे चाहिए इस टर्मिनल पे इंडक्टर के अक्रॉस तो ये टू हंड्रेड ओम आ गया ना हंड्रेड और हंड्रेड तो यहां से टाओ आ जाएगा पंद्रह मिली हेनरी बाय टू हंड्रेड तो ये कितना आएगा पॉइंट टू पॉइंट टू से आया पिचहत्तर पिचहत्तर माइक्रो सेकेंड ठीक है ये आ गया अब भाई आई जीरो माइनस मिल गया टी टाओ मिल गया तो आप यहां पे क्या निकाल सकते हो आई एल टी तो आई एल कितना आ जाएगा इनिशियल करंट है आपके पास वन ए टू दी पावर माइनस टी बाय सेवेंटी फाइव माइक्रो ये आ गया एम्पियर ठीक है तो ये आंसर बन गया आपके पास क्लियर है तो टाओ यहां पे कितना बनेगा सेवेंटी फाइव माइक्रो सेकेंड बनेगा अगला अगर देखें एट टी इक्वल टू पॉइंट वन फाइव चलो अला होमवर्क में करना एक होमवर्क देके जा रहा हूं आप लोगों को इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपको सोर्स वाले सर्किट भी पढ़ाऊंगा आई वन और आई एल ये टू ओम ठीक है पॉइंट फोर हेनरी इसको चलो थ्री ओम मान हे एवरीवान सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो बचो एंड लेट मी टेल यू लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट अन अकेडमी एंड इट्स ऑफरिंग्स ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अनअकेडमी लाइट ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च किए सेपरेट टेस्ट सीरीज और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट आपकी मेहनत और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अन लाइट टेस्ट सीरीज यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे वो भी मिनिमम प्राइस में आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट टेस्ट सब्जेक्ट मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट और सबके सब, सब हाइएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ तो आपको बस क्या करना है अन ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ऐसी कोड लगा देना ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए ठीक है और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है स्टडी अन्य कॉल्ड एज नोट तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है और मैं बता रहा हूं बेटा इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है और ऐसे नहीं बोल रहा हूं खुद देखा है तभी बोल रहा हूं और क्यों है बेस्ट पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब जो कलर्स यूज किए हैं जो फॉर्मेटिंग यूज की है वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में मतलब क्या होता है ना बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं पढ़ना नहीं चाहते भागते हैं लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टिंग वे में कॉन्टेंट डिलीवर किया गया है दूसरी बात बेटा सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके उनके इनपुट्स लेके बनाया है और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना नाइन ऑन टेन और नाइन पॉइंट फाइव ऑन टेन रेटिंग दिया है और यहां पे हर टॉपिक के बाद सोल्व एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया और सबसे बढ़िया बात ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा छुट्टियों पे जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो घर आ रहे हो जॉब पे जा रहे हो कभी भी रीड करो और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अन ज्वाइन करना पड़ेगा और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ये ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा तो आपको बस एक साल या एक साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा और देखो यार यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो हम अपनी क्या तारीफ करें हम अपने बारे में क्या बताएं हमारे स्टूडेंट्स हमारे रैंकर्स बता रहे हैं तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा टेन में से टॉप सिक्स रैंक हमने प्रोड्यूस किए हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो कैसे अकेडमी ज्वाइन करके और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित एस और देखो अगर करना है ना तो आइकॉनिक लीजिएगा आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच मतलब मैं तो गाइड करूंगा लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना आपकी प्रॉब्लम सोल्व करना प्रॉब्लम टेक्निकल डाउट भी हो सकते हैं तो आप वन टू वन डाउट भी पूछ सकते हो प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रेटेजी की हो सकती है बेटा तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को तो ये आपको यहाँ पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे यह बताना और भी ज्यादा जरूरी है और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल जैसा मैंने बोला घर पे डिलीवर कराया जाएगा बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी हर संडे टेस्ट होगा सारे कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड होंगे अगर अभी आप आपकेडमी ऐप पे जाते हो ना तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो फ्री है ठीक है रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज लेकिन याद रहे अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है ठीक है लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली है आइकॉनिक के लिए अब देखो आपको क्या करना है बेटा आपको ड्यूरेशन चूज करना है जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स और जो दो साल में देंगे वो 12 24 मंथ्स बस कोड आप याद रखो बेटा अंकित इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे और आप जानते हो बेटा मैं खुद दो बार ए आई लाया हूं इस बार मेरा स्टूडेंट ए आई लेकर के आया तो अगले साल क्या हो सकता है दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई यहाँ पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक वन ले आएगा और अगर अन आ गए तो एक और बात का याद ध्यान रखना यहाँ पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है आपको अपनी ब्रांच बतानी है जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो और आपको ये भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है कोई दिक्कत लगती है तो आप उसको रिपोर्ट कर देना रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अन अकेडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं क्या ऑफर चल रहा है क्या प्राइजिंग चल रही है तो ये मेरी टीम का नंबर है इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ई सो थैंक यू एवरीवन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं लेट्स क्रैक इट